नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। नगर परिषद भांडेर के द्वारा नगर की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता छोटे राय ने एक हेल्पलाइन जारी नंबर किया है, जिसमें आप अपनी समस्याओं को लेकर 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। सबसे पहले समाज सेवी एवं नगर परिषद के लिए प्रतिनिधि छोटे राय ने सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया और सभी से अनुरोध किया कि आप अपनी निवेदन है हमारी, आप सब स्वच्छता में मदद करें और प्रसन्नता होगी कि स्वच्छता में अव्वल आए और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान नगर फांडेर परिषद को इनाम से सम्मानित करें। वहीं पर जिला संवाददाता आलोक शुक्ला ने नगर परिषद फांडेर प्रतिनिधि रामजीवन राय से चर्चा की है, जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर के साथ संबंध में अपनी जानकारी दी। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए आलोक शुक्ला। नमस्कार दोस्तों, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम आज आए हैं नगर परिषद फांडेर में। काफी दिनों से शासक बैठे हुए थे नगर पालिका में फांडेर में, आज अध्यक्ष प्रतिनिधि बैठे हुए हैं रामजीवन राय जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस संबंध में उनसे पूछते हैं कि उनका क्या विजन है आगे के लेकर और फांडेर के लिए क्या करने वाले हैं। सर आपका स्वागत है न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में, और आज जो आपने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इसका क्या विजन है आपका? भारत माता की जय, बारह आंगनवाड़ी मैया की जय। ये सब माई के पास है जो कार्य हो गया है। हमारी नगर में जो समस्या थी कि घर घर में ऐसा संदेश जाए कि हमारे नगरवासियों की जो समस्या है वो घर बैठे उनकी दूर किया जाए। नगर में जैसे साफ सफाई की व्यवस्था है, जैसे नालियाँ टूटी पड़ी हैं वो समस्या है, पेंसिल समस्या है, हमारी नगर परिषद से जितनी भी जुड़ी हुई समस्या है उनके लिए अपन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इससे जनता जनार्दन को अति ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। आपके विरोधी कहते हैं कि भैया 2 अक्टूबर आने वाली है तो ये रासलीला रची जा रही है, क्या कहेंगे? अब 2 अक्टूबर आ रही है, आपको तो ये हमारे कोई भाई लोग बता पाएंगे वो? अगर ये तो आपका कहना है, मैं तो नहीं कहूँगा उनको कि वो हमारे विरोधी है, मैं तो उनको ये बताऊँगा वो हमारे शुभचिंतक हैं। और आज इतना प्रचार प्रसार की हुआ है वो तो उनके ही वजह से हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।